इस जगह का नाम है काकाकाकी वाटरफॉल। ये जगह गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, मतलब आधा गुजरात में और आधा महाराष्ट्र में। ये धोध की हाइट है ऊपर, और ये अभी ये धोध इस तरफ है। ये धोध अभी 2020 यानी 2020 में किसी ने ढूंढा है, और यह धोध अभी फेमस हो रहा है। और ये हमारे दोस्त है जो ताबी जिले के मांडल गांव से बिलीव करते हैं, और हम इधर घूमने के लिए आए हैं। ये वाटरफॉल इसका नाम है काकी, और उसके ऊपर भी है, मतलब उसको काका काकी धोध के नाम से मशहूर किया गया है। ये धोध आप देख सकते हैं, ये पानी ऊपर से गिर रहा है, अभी तो फिलहाल पानी कम है, और ये इसकी ऊंचाई करीब 10 या 11 फुट की होगी। ये इधर से पानी बहते बहते जा रहा है, और इसके नीचे भी तीसरा धोध है, यानी इस धोध के ये पहला धोध, और उसके ऊपर भी एक है जो आपको अभी दर्शन नहीं दिखा सकता। एक ऊपर है और उसके नीचे एक दूसरा, और इधर से बहते बहते वो धोध तीसरा उधर है, लेकिन हम उस जगह पे नहीं जा सकते क्योंकि उधर जाने में रास्ता नहीं है और खतरा ही जाने का। और अभी हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता यही है, ये रास्ता इस तरह से ऊपर जाता है, और ये करीब इधर उतरने में आधा घंटा लग जाएगा, और चढ़ने में बहुत दिक्कत है। जब भी आप घूमने आओ तो यहीं पानी का बोतल साथ लेके आओ, क्योंकि उतरने तो उतर जाते हैं लेकिन चढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होगा। पानी होगा तो अच्छा है। हम भी इधर आए थे, हमारे पास भी पानी नहीं था, हमने यही पानी का इस्तेमाल किया है पीने में। और यह पानी झरने का पानी इसलिए बहुत ठंडा और अच्छा है। दिस वाटरफॉल वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और इधर आने के दो फायदे हैं। जब हम नागपुर से ये करीब 25 किलोमीटर के दायरे में आता है, और वहाँ पहला अपना घाट आएगा चरणमाल घाट, वो घाट की चढ़ाई करने में भी आपको ड्राइविंग करने का मजा आएगा, और इधर आके आप बहुत भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये अभी मशहूर हो रहा है, और इसका जो रास्ता भी अभी बनवाया नहीं, और वो बनेगा तब अच्छा है, बाकी तो आपको चल के खेतों में से आके आना पड़ेगा। ये हमारा वाटरफॉल, ये बहुत इधर आके बहुत बेहतरीन यही दोस्त हम भी आए हैं। आज की कौन सी तारीख होगी? 3 अक्टूबर 2020। अभी समय हुआ है कुछ 12 बजे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी चैनल को घंटा बजे।